भाजपा नेता मुकेश शर्मा ने छोड़ी पार्टी, सैकड़ों समर्थकों के साथ हुए कांग्रेस में शामिल। बीजेपी में गुटबाजी और उपेक्षा का शिकार हो रहे थे शर्मा। करार में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में कई भाजपाई कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस के सदस्यता दिलवाई। इसमें भाजपा नेता मुकेश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी वर्ष पुरानी बीजेपी पार्टी छोड़ने की मुख्य वजह नेताओं की गुटबाजी और लगातार छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होना बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मोहन राठौर की अगुवाई में इन सभी को कांग्रेस में शामिल कराया गया है। कुराहा से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुकेश शर्मा। मुकेश जी, ये आज जो सभा में आयो, क्या ये समर्थक आपके हैं क्या? जी। कितने लोग आए हो, क्या कहना चाहते? मैं हजारों समर्थकों के साथ आया हूँ। पहले कई सालों से बीजेपी में काम कर रहा था, लेकिन अब मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, कांग्रेस की सदस्य लेना चाहता हूँ। क्या मतलब ऐसे कारण रहे जो एकदम इतने लोगों के साथ आप कांग्रेस में जा रहे हो? बीजेपी में कई सालों से काम किया, अब बहुत सारे हो गए, अपनी कोई पूछ परख भी नहीं है वहाँ पे, अपन कोई पूछता भी नहीं है, तो अब सोचा कि अब कांग्रेस में जाए अपन। तो उपचुनाव है इस वक्त, कैसा माहौल रहेगा, कि क्या ताकत है इस बार उपचुनाव में? उपचुनाव में पूरी पूरी ताकत है कांग्रेस, वोट पर कांग्रेस। कांग्रेस में जिताओगे? कांग्रेस को। अभी आप बीजेपी में किसी पद पर थे क्या? हाँ। किस पद पर थे? बूथ अध्यक्ष पद पर। बूथ अध्यक्ष पद पर थे। आपकी पूछ पर कौन नहीं करता था? कोई कार्यकर्ता पूछ परख नहीं करता था। अच्छा, आपको कोई मीटिंग वगैरह की जानकारी नहीं देते थे? कोई जानकारी नहीं देते अपन को। उपेक्षा का शिकार हुए हो आप बीजेपी में? बिल्कुल। अभी आप कांग्रेस के लिए मेहनत करोगे? कांग्रेस के लिए फुल मेहनत जताएंगे, कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।